आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जेल से देश के नाम पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने फर्जी केस बनाकर उन्हें गिरफ्तार किए जाने और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की बीजेपी और मोदी की साजिश का खुलासा किया। दरअसल उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी का मुख्य कारण उनकी आवाज़ को खामोश करना है, लेकिन जेल में गुजरते हर दिन के साथ निरंकुश सत्ता से लड़ने की मेरी इच्छा शक्ति और मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा है कि मैंने हमेशा बिना डरे तानाशाही राजा के अन्याय, भ्रष्टाचार और उनके दोस्तों द्वारा देश के संसाधनों की खुली लूट के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाई है। ये बात मोदी जी को सबसे बुरी लगी, इसलिए मोदी, अडानी, ईडी, गठजोड़ ने मुझे फंसाने के लिए पूरी तरह झूठा मामला बनाया और जेल में डाल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए हर कदम उठा लिए और हर बार फेल हुए। उन पर लगे आरोप भी एक दिन झूठे साबित होंगे। दरअसल आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जेल से देशवासियों के नाम लिखे खत में कहा कि जेल की सलाखों के पीछे कई दिन बीता चुका हूं, हर गुजरते दिन के साथ निरंकुश सत्ता से लड़ने की इच्छा शक्ति और मजबूत हो रही है। इन दिनों सदुपयोग मैंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सत्य के प्रयोग, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जाति प्रथा और नेल्सन मंडेला की जीवनी पढ़ने से की। इन महापुरुषों के संघर्ष, राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को पढ़कर लगा कि हर दौर में जुर्म और तानाशाही के खिलाफ लड़ने वाले लोगों को हुकूमत ने अपने दमन का शिकार बनाया है। लेकिन ये भी सच है कि दमन जितना उग्र होता है, विरोध और जन आक्रोश उतना ही तीव्र होता है। सांसद संजय सिंह ने आगे लिखा कि अरविंद केजरीवाल का काम मोदी सरकार की आंखों की किरकिरी बन गया है। बीजेपी को लगा है कि अगर देश की जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पर वोट देने लगती है तो हमारा क्या होगा। आम आदमी पार्टी ना तो जातिवाद फैलाती है, ना ही धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम करती है। ये तो काम की राजनीति कर रही है। इसी कारण इन्होंने दमन का रास्ता अपनाया। इन्होंने लोकतंत्र और संविधान का गला घोटकर दिल्ली सरकार के सारे अधिकार छीन लिए। जेल भेजने की साजिश को लेकर संजय सिंह ने कहा कि ईडी ने मेरा नाम पहले भी चार्जशीट में डाला था। उनकी कोशिश उस वक्त भी झूठे केस में फंसाने की थी, लेकिन जब मैंने ईडी को लीगल नोटिस भेजा तो ईडी ने मुझसे माफी मांग ली। मतलब साफ है कि चार्जशीट में ईडी ने जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए नाम डाला था। ईडी ने 8 सालों में 3000 छापेमारी की और मात्र 0.5% लोगों पर आरोप सिद्ध हुए। मोदी, अडानी, ईडी के गठजोड़ ने मुझे फंसाने के लिए पूरी तरह से झूठे और बेबुनियाद मामले तैयार किए। दिनेश अरोड़ा, जो खुद ईडी और सीबीआई की एफआईआर में आरोपी है, सीबीआई ने एक नहीं कई बार दिनेश अरोड़ा के बयान दर्ज किए। दिनेश अरोड़ा ने मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया। ईडी में भी दिनेश अरोड़ा ने मेरे खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। जो दिनेश अरोड़ा 13 बार ईडी सीबीआई में 1 साल तक बार बार बयान देता है और मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया, वो दिनेश अरोड़ा अचानक ईडी के सामने बेबुनियाद आरोप कैसे लगा देता है। ये बात देश के लोग आसानी से समझ सकते हैं।